आज के इंसान की जिंदगी बहुत आरामदायी और आसान बन गई है। इसमें बड़ा योगदान है टेक्नोलॉजी का। आज हम घर बैठे कई सारे काम एक चुटकी में कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने फायर की इन्वेंशन से लैपटॉप की इन्वेंशन तक का सफर तय किया है। इस सफर में वैसे तो बहुत सारी साइंस की ब्रांच का सहयोग है, उनमें से एक मेजर ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स। ये ब्रांच सिर्फ 100 साल पुरानी है। 100 साल। तो चलिए इस एपिसोड में क्वांटम मैकेनिक्स की 10 रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं। मैं सुधीर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, और आप देख रहे हैं वंडर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। दोस्तों, ट्रांजिस्टर दिखने में भले सिंपल लगता है, पर ये आज के टेक्नोलॉजी का बेस है। ट्रांजिस्टर भी क्वांटम मैकेनिक्स की ही देन है। जॉन बॉर्डन, वॉल्टर ब्रेटन और विलियम शॉकली जैसे साइंटिस्ट ने 1947 में पहले ट्रांजिस्टर को बनाया और तब से ही दुनिया बदली है। 100 साल पहले का कंप्यूटर कितना था? एक रूम जितना बड़ा था, क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। पर क्वांटम मैकेनिक्स की ट्रांजिस्टर के बदौलत एक कंप्यूटर अब हमारे हाथ में आया है। अगर ट्रांजिस्टर ना होता तो आज का कैमरा, पीसी, लैपटॉप, टोस्टर, ओवन, मोबाइल, टीवी, रेडियो जैसे गैजेट्स संभव ही नहीं होते। तो ये ट्रांजिस्टर पिछली सेंचुरी का ही नहीं, इस सेंचुरी का भी अजूबा है। आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम अपना मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, उसके फीचर को देखकर ही खरीदते हैं। इनमें से एक फीचर है माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर एक छोटी सी इंटीग्रेटेड चिप होती है जिसमें मिलियंस में ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, डायोड होते हैं। ये सब पॉसिबल है सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स की तरक्की की वजह से। माइक्रोप्रोसेसर हमारी और कंप्यूटर के बीच का एक माध्यम है जो हमारी कमांड कंप्यूटर तक पहुंचाता है और कंप्यूटर को चलाने में हमारी मदद करता है। इसके बदौलत ही हम राइटिंग, गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे माइक्रोप्रोसेसर अवेलेबल है जिनमें इंटेल, एएमडी, क्वाडकॉम, आईबीएम के साथ हमारे भारत का शक्ति माइक्रोप्रोसेसर भी शामिल है। दोस्तों, बात चाहे रिसर्च की हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन की या हमारे हर छोटे मोटे काम की, कंप्यूटर इसको संभव ही नहीं आसान भी कर देता है। कंप्यूटर अपने आप में ही एक क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन है। अगर हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और आज की कंप्यूटर की तुलना करें तो हमें साफ साफ उसकी साइज और उसके पावर में फर्क दिखता है। हमने न कि कंप्यूटर को छोटा किया बल्कि उसकी पावर भी बढ़ा दी। पर अभी भी आज का कंप्यूटर जटिल गणितीय समीकरण का समाधान करने में ज्यादा समय लेता है। इसके विकल्प में आज क्वांटम कंप्यूटर की कई तकनीक को परखा जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटर न कि बनाया है बल्कि उसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग भी की जा चुकी है। ये क्वांटम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉन की एक समय में दो स्पिन में मौजूद होने की खूबी को इस्तेमाल करता है। इस कंप्यूटर की कोडिंग को क्यूबिट में किया जाता है। क्यूबिट यानी 0 और 1। इस क्वांटम कंप्यूटर बनाने की होड़ में गूगल, नासा, आईबीएम, इंटेल जैसी कंपनियां आगे है। लेसर एक क्वांटम मैकेनिक्स का ही अद्भुत आविष्कार है। लेसर को टेक्निकली लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। एटम के एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की घूमने की वजह से लेसर लाइट मिलती है। लेसर का इस्तेमाल डिस्टेंस नापने की मशीनों में, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जैसे लेसर इंडस्ट्रियल ब्रेकथ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि LIBS, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट में, मिलिट्री के फायर आर्म्स में, मेडिकल फील्ड में जैसे कैंसर थेरेपी, आई सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी में, इंडस्ट्रीज में बारकोड स्कैनर, मेटल कटिंग टूल्स, डिस्टेंस थर्मामीटर और डिस्को लाइट जैसी अनेकों एप्लीकेशन में किया जाता है।
आपने कभी एटम की पिक्चर देखी है? इसी होड़ में साइंटिस्ट जुरिक और रोहरर ने 1970 में सिलिकॉन एटम की इमेज लेने के लिए एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पर काम करना शुरू किया। लगभग 10 साल बाद 1981 में उस माइक्रोस्कोप को सक्सेसफुली बना लिया। वो माइक्रोस्कोप इतना प्रिसाइज और शार्प था कि उससे उन्होंने सिलिकॉन एटम की इमेज ले ली। वो माइक्रोस्कोप उन दिनों के माइक्रोस्कोप से कई गुना ज्यादा क्लियर इमेज देता था। उस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को हम आज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बुलाते हैं, इन शॉर्ट STM। इस स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का लोहा रिसर्च की दुनिया आज भी मानती है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप यानी कि STM क्वांटम मैकेनिक्स की क्वांटम टनलिंग सिद्धांत पर काम करता है। माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस जैसी कई सारी जगह पर स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप यानी STM का उपयोग आज भी हो रहा है। आज भी आपने टेलीपोर्टेशन को महाभारत, रामायण जैसे पौराणिक कथा में और स्टार वॉर, फैंटास्टिक फोर जैसे साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा, पर आपको मालूम है ये सब मुमकिन है? हाँ, सही सुना, ये आजकल के परिवहन की तरह है। ये हमारे भविष्य का परिवहन है, फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, एक जगह से किसी भी चीज को दूसरी जगह बिना कोई फिजिकल पार्ट से पहुंचाना, इसे टेलीपोर्टेशन कहते हैं। हम भविष्य में इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इसका उपयोग करेंगे। टेलीपोर्टेशन क्वांटम मैकेनिक्स की क्वांटम एंटैंगलमेंट के सिद्धांत पर आधारित है। किसी इंसान की बॉडी को एक जगह डिमटेरियलाइज करना और दूसरी जगह मटेरियलाइज करना बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसे समय जरूर लगेगा, पर अब तक इंसान ने एक फोटॉन को टेलीपोर्ट किया है। उदाहरण के तौर पर साल 2017 में चीन ने एक फोटॉन को एक सैटेलाइट में ट्रांसपोर्ट करने में कामयाबी हासिल की है। ये तकनीक हमारे भविष्य की ट्रांसपोर्टेशन की नींव है। हम समय को नापने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आजकल की घड़ी में कॉर्ड्स के ऑसिलेशन यानी कंपन का इस्तेमाल सेकंड यानी टिक को नापने के लिए होता है। कॉर्ड्स क्रिस्टल एक सेकंड में 32,768 हर्ट्ज़ कंपन तैयार करते हैं। यही सेकंड है। इसका आखिरी डिजिट हर सेकंड दुनिया में हर जगह एक जैसा नहीं मिलता। ये हर वक्त बदलता रहता है। ये उसके आसपास की परिस्थिति पर निर्भर करता है। इस खामी को दूर करने एवं घड़ी को अत्यंत सटीक प्रिसाइज करने क्वांटम मैकेनिक्स की परमाणु यानी एटम के गुण का इस्तेमाल होता है। इस अत्यंत सटीक घड़ी को एटॉमिक क्लॉक यानी कि परमाणु घड़ी कहते हैं। जब हम किसी भी परमाणु को लेजर जैसे हाई एनर्जी वाले रेडिएशन मारते हैं, तो एटम एक्साइट होता है और जब वो ठंडा होता है तब वो फोटॉन बाहर निकालता है। इस फोटॉन की एक तय फ्रीक्वेंसी होती है। ये फ्रीक्वेंसी दुनिया के किसी भी कोने में एक ही होती है। यही इस अल्ट्रा प्रिसाइज घड़ी का सेकंड है। ये परमाणु घड़ी हाइड्रोजन 1, सीजियम 133 और रुबिडियम 87 जैसे परमाणु की अति सटीक ट्रांजिशन पर आधारित है। परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल आज भी दुनिया में होता है। US मिलिट्री में सीजियम बीम क्लॉक का इस्तेमाल, US बेस GPS में रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल, ये सब इसके उदाहरण हैं। इन दिनों भारत अपनी नैविक GPS के लिए रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक डेवलप कर रहा है। दुनिया के सबसे सटीक और सेंसिटिव थर्मामीटर भी क्वांटम मैकेनिक्स की सिद्धांत पर आधारित है। इस अल्ट्रा प्रिसाइज थर्मामीटर को बनाने के लिए फिजिसिस्ट ने थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्म प्रौद्योगिकी और क्वांटम मेट्रोलॉजी को मिलाया है। एडिलेड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड्री क्यूटिन के मुताबिक उनका थर्मामीटर दो रंग की तरंग का इस्तेमाल करके 13th billionth ऑफ डिग्री के प्रिसीजन से टेम्परेचर नाप सकता है। ऐसे कई सारे अल्ट्रा प्रिसाइज थर्मामीटर में क्वांटम टनलिंग के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल सीक्रेट मैसेजिंग और सीक्रेट कोडिंग में किया जाता है।
अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम एंटेंगलमेंट की खूबी को इस तकनीक में इस्तेमाल किया जाता है। अगर मुझे एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सीक्रेटली भेजना है तो अति सूक्ष्म कण की क्वांटम एंटेंगलमेंट की खूबी का उपयोग करके भेज सकता हूँ। इसके लिए मुझे कोई फिजिकल पार्ट्स अथवा मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। आज के दौर में एक संदेश एक जगह से दूसरी जगह ऑप्टिकल फाइबर की नेटवर्क से भेजा जाता है। इसमें हैकिंग की गुंजाइश बढ़ जाती है, लेकिन क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इसको ना के बराबर कर देती है और हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर देती है। क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी के बदौलत हमने पुराने टंगस्टन बल्ब को फ्लोरोसेंस और एलईडी बल्ब से बदला है। इन आविष्कार के वजह से कम बिजली की खपत से हमें अच्छी खासी रोशनी मिलती है।